नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मुझे जुखाम लगा हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी इसमें चेंज नज़र आएगी, तो कृपया करके निवेदन है कि आप मेरी आवाज़ पे ना ध्यान दें, मेरे वीडियो और ऑडियो पे ध्यान दें। सर्दी का मौसम चल रहा है, आप सब लोग भी स्वस्थ रहें ऐसी मैं कामना करता हूँ। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को लेने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। जितनी भी मेरी साधनाएँ आ रही हैं, आप उसे चाहे तो मनोरंजन के रूप में ले सकते हैं, आप चाहे तो उसे साधना के रूप में ले सकते हैं, या आप उसे सुन सकते हैं। केवल जैसी श्रद्धा जिसकी है वैसी वो भक्ति कर सकता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप ये साधनाएं करिए, तो इसमें आपकी अपनी खुद की च्वाइस है कि आप क्या चाहते हैं। अगर इस क्षेत्र पे आना चाहते हैं तो वो करिए, अगर सिर्फ सुनना चाहते हैं तो वो करिए, मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो पिशाच हो, बैताल हो, कंकाल हो, प्रेत हो, भूत हो, योगिनी हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, चाहे भगवान हो, देवता हो, गण हो, इन सब की साधना में एक बात सच होती है कि जब आप इनको साध लेते हैं, मंत्र कर लेते हैं, तो इनको साधने के बाद आपकी जब मृत्यु होती है तो 100 वर्षों तक इनके इसी योनि में, उन्हीं लोक में आपको भटकना पड़ता है। एकदम अच्छा सा सत्य है, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमेशा अपना मार्ग जो है बहुत सोच समझ के ही चुने। लेकिन जिन्हें लगता है कि ये शरीर हमारा अभी का है, उसके बाद क्या होता है, कहाँ हम जाते हैं, हमें कोई पता नहीं है, मैं तो करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो आज की ऐसी ही एक साधना है, वो है प्रेत की साधना। प्रेत जो होते हैं, प्रेत साधना कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर मैं जो साधना दे रहा हूँ वो आपको दो प्रकार की दे रहा हूं। प्रेत जो होते हैं वो बड़े सहायक होते हैं, और मनुष्य के शरीर से ही निकली वो आत्माएं होती हैं जिनकी अब पुनर्जन्म नहीं होता है या उन्हें सदगति नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उनकी प्रेम भाव से सहायता करेंगे तो बहुत से ऐसे प्रेत हैं जो उसके साधक को करोड़पति बना देते हैं। तो प्रेत जो होते हैं वो सूखे वृक्षों, सूने स्थान, खंडहर जो होते हैं प्राचीन तरीके के, और देवों के मंदिर होते हैं जिसमें मूर्तियां नहीं होती हैं, नदी के तट, शमशानों से थोड़ा दूर सूने घर, तीर्थ स्थान से थोड़ी दूर पर्वतों और रेगिस्तान जो होता है उसमें रहते हैं। और बहुत से ऐसे प्रेत होते हैं जो कब्रिस्तान, रास्तों के किनारे पीपल के जो वृक्ष होते हैं, बबूल के वृक्ष होते हैं, शीशम के वृक्ष होते हैं, और सूखे कुएं या तालाब में भी रहते हैं। प्रेत जब सिद्ध हो जाता है तो हर प्रकार से सहायता करता है, किंतु उसे अमावस या पूर्णमासी को दाल और चावल और मदिरा भी देनी पड़ती है। तो ये बात आप जान लीजिए कि ऐसा ऐसा जो मैंने बताया है ये सब चीजें होती हैं, और इतने वर्षों तक भटकना पड़ता है। पहला जो प्रकार है, प्रकार यही है कि कोई भी जो मरा व्यक्ति होता है उसकी लाश पर आप बैठकर उसे दारू पिलाएं और शमशान की पूजा करें और सव मंत्र का पूरी रात जप करें, तो जो सव होता है वो उठकर बोलने लगता है। इससे आपको डरना नहीं है, आपको वरदान मांग लेना है। और ये ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कई हमको उससे तक करना पड़ता है। तो ये जो क्रिया होती है वो शमशान में ही होती है, और सव इसके लिए हर बार नया होगा। दूसरी विधि होती है कि कोई भी निर्जन स्थान जो होता है, खंडहर होता है, उसमें प्रेतराज या प्रेत की हम पूजा करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो प्रेत प्रकट होकर वर देता है। आप चाहे तो उसे मित्र बना लीजिए या साथ रख लीजिए। तो इसका जो मंत्र है, सौ का जो मंत्र है वो है ओम नमो शमशानेश्वर प्रेत मेकम साधय नमो नमः। ओम नमो शमशानेश्वर प्रेत मेकम साधय नमो नमः। और दूसरा जो प्रेत की साधना जो मेरी दूसरी बताई है, जो स्थान पे करनी है, वो है ओम नमो प्रेतराज मामेकम प्रेतम समम कुरु ते नमो नमः। ओम नमो प्रेतराज मामेकम प्रेतम समम कुरु ते नमो नमः। और इसके पश्चात आप अमावस्या को दाल भात और मदिरा देंगे, धूप दीप भी देना होगा। हर बार जब भी आप उससे काम लेंगे यानी बुलाएंगे तो वो आएगा, आपकी बात करेगा, लेकिन उसके बाद काम होने पर उसे
भोजन आपको अवश्य देना है और जो बोला है वो भी देना है, और नहीं करोगे तो आपसे रुष्ट हो जाएगा और उल्टा करेगा। तो ये भी मनुष्य की भक्ति एक अशरीरी शरीर ही है, यानी इसे कह सकते हो भटकती हुई आत्मा है। सिद्ध होने से पहले जब भी ये होगा पूरी कोशिश करेगा कि आपको डराए, कुछ भी करेगा, किसी भी तरीके से परीक्षा भी लेगा, क्योंकि इतनी आसानी से जैसे मैंने पहले बताया लोग सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन अगर सिद्ध हो गया, आपका मित्र बन गया, तो जमकर साथ निभाएगा। जो समय रहेगा वो रात्रि का हमेशा रहता है, 12 से 3:30-4 बजे से पहले पहले, 12 से 3 इज परफेक्ट टाइम। और काले कलर के आपके कपड़े होने चाहिए, शरीर पे कोई कपड़ा ना हो। और इस समय सर्दी चल रही है तो इस साधना को ना ही करें, गर्मी में परफेक्ट रहेगी, कर सकते हैं। और जो दिन होगा, अब मैंने बता दिया है आपको अमावस का होता है, ये जरूरी नहीं पड़ता है इसमें कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस भी दिन अमावस्या पड़ रही होगी या पूर्णमासी पड़ रही होगी उस दिन से साधना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही है मेरा आज का वीडियो आपको बताने के लिए, और ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सर्दी हो रही है और कई कई स्थानों पर आज पानी बरसा है, तो थोड़ा सा इस समय मौसम चेंज होता रहता है, संभल के रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, आप भी अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, यही मैं कामना करता हूँ। नारायण आपकी सभी साधनाओं को पूर्ण करे और आपको सारी खुशियाँ मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, नमो नारायण, जय श्री महाकाल, श्री राधे।